तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ स्वॉर्डिगो। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ चेंबर्स ऑफ फ्लेम्स में आगे क्वेश्चन मार्क दिखा रहे हैं, तो ज़रूर यहाँ पर बॉस विलन होगा। पर इस बार हम पूरी तरह से तैयार है बॉस विलन से लड़ने के लिए। अबे इन्होंने तो हमें यहाँ पर कैद कर लिया, अब इसे मारना है। पर मारेंगे कैसे, ये तो बहुत ऊपर है। लगता है मुझे ड्रैगन्स ग्रास यूज़ करना पड़ेगा, अब देखते हैं। ओके, ये नीचे आता है पर इसे लगता ही नहीं है। ओके, इसे तलवार से मारना है, बस ड्रैगन क्राफ्ट से नीचे खींचना है और बाद में तलवार से मारना है इसे। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि आप उसके वार से बचे, मतलब जो वो फ्लेम से वार करता है उससे बचना है, जो आग फेंकता है उससे बचना है। और मैं यहाँ से कूदूँगा। अबे ये तो नीचे ही नहीं आया, अब नीचे आएगा, अब तलवार से मारना है। और एक बार, अबे दूसरा वार लगता ही नहीं इसे, सिर्फ एक ही वार लगता है। ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा इसे मारने में, पर कोई नहीं, मैं ख़त्म कर दूंगा इसे। अभी तक इसके 73% बचे हैं, हो जाएगा भाई तू ख़त्म। और यहाँ से के लेफ्ट की तरफ से जा। अबे मुझे इतना ज़्यादा कूदना नहीं चाहिए इसके नज़दीक, नहीं तो ये ऊपर ही रहेगा। नहीं, कम भी नहीं कूदना चाहिए, ऐसे बैलेंस रखना चाहिए कूदने में और खींचने में। अब क्या इसे बस ऐसे ही मारते रहना है, बहुत ही बोरिंग विलन है ये। तब इस पर वार, अबे ये क्या हुआ, ये प्लेटफॉर्म यहाँ वहाँ हो गए। ओके, उन्होंने थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया है ये गेम को। अभी मुझे इसके ऊपर जाकर उस पर वार करना होगा। अबे इसका वार लग गया मुझे, अबे ऊपर ही नहीं जा रहा। तो ये जब नीचे आएगा तब ऊपर जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं ऊपर नहीं पहुंचूंगा। और ये साइड से लावा बॉल्स भी तो आ रहे हैं, ये भी कॉम्प्लिकेट करते हैं सब कुछ। और मैं ऊपर पहुंच गया, अबे मार उसे। ओके, एक बार लग गया, फिर मैं वहां पर पहुंच गया। अब ये प्लेटफॉर्म जब नीचे आएगा तभी ऊपर जाना है। और अभी ओके, और इस पर वार कर। और अबे दोनों मिस हो गए, अभी लगेगा, लग गया। ओके, अब कहाँ आएगा, ये बहुत नीचे आ गया है। और ले, फिर से चला गया, एक बार लगते ही ये चला जाता है। पर इस बार बहुत ही नीचे आ रहा है। अबे मुझे लग गया ये ना, लाओ पे यार, इतना दूर फेंक दिया मुझे। ये लावा बॉल से सब कुछ बिगाड़ रहे हैं, पर मेरे बहुत सारे हार्ट्स बचे हैं और इसके बहुत कम परसेंट बचे हैं, तो ये ख़त्म हो जाएगी। इस बार मैंने बहुत ही ज़्यादा चोट खाई है यहाँ पर, कितनी बार उसके वार से टकरा गया मैं। अबे लग क्यों नहीं रहा, अबे कितनी बार लग रहा है। आठ, मैंने अभी अभी बोला था कि बहुत सारे आठ बचे हैं, पर बहुत कम हो गए थोड़ी ही देर में। अबे अबे भाग भाग, मुझे ऐसे लगता है ये थोड़ा एग्रेसिव हो गया है, इसी वजह से इसके वार मुझे लग रहे हैं, नहीं तो अभी तक तो आसानी से खेल रहा था मैं। और ये ले, ये ना बहुत ही बुरा है कि मैं एक बार करता हूँ इसके बाद ये गायब हो जाता है, नहीं तो मैं इसे बहुत जल्दी ख़त्म कर लेता। अबे और जा और वार कर। ओके, 12% बचे हैं, अब बहुत ही, अब दो तीन वार के अंदर ही मारा जाएगा। अभी सही से मारूंगा मैं इसे, टाइम देखकर, इसके वार खाए बिना। और 4% बचा है, अब एक वार के अंदर ये मारा जाएगा, बस आ जाए इस तरफ। और ये ले, मर गया। अबे सोल शार्ट्स पे यार, दो तीन सोल शार्ट्स तो आग में गिर गए। और मुझे लगता है अभी आगे बढ़ना है, क्योंकि पीछे से अभी भी आग से ब्लॉक है, तो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर कुछ दिख रहा है, ये क्या तलवार है, क्या है ये। ओके, थर्ड शार्ट ऑफ द मेज ब्लेड है, और मैं तो भूल गया था बॉस को मारने के बाद यही तो मिलता है। तो हमें अब 3 शार्ट्स ऑफ मेज ब्लेड मिल चुके हैं, और एक ही मेज ब्लेड का शार्ट मिलना बाकी है, तब वो मेज ब्लेड कंप्लीट होगी। और यहाँ पर मास्टर आ गया, यू हैव डन वेल हीरो, देयर इज़ ओनली वन मोर शार्ट मिसिंग, गो टू अ कैसल ऑन टॉप ऑफ द स्नोई पीक्स ऑफ माउंट एटलॉन, यू विल फाइंड व्हाट यू नीड देयर। ओके, थर्ड पार्ट वहाँ पर मिलेगा, आई विल बी वेटिंग फॉर यू। ओके नाइस, क्वेस्ट एडेड, द स्नोई पीक्स। वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये गेम प्ले पसंद आई हो तो इसे लाइक करो,
चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा, चल। मस्त जोक मारा, ये हाथ सुने हल्का हाथ नहीं।